बोले वेलकम ट्रैवलर। हेलो भाई, चाल दिए यार। अब तक नया मौसम भी तगड़ा हो रहा है। लो डॉगी 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 बेरानी जुल्फिकार की छिपा होगा। जुल्फिकार जुल्फिकार एक मारिया धनो दबा के चल दो। बाकी मैंने सेफ्टी के लिए ले लिया अभी GoPro का कवर, ना वाटरप्रूफ नहीं लेके आया हूँ, अगर आई तो निकालना पड़ जाएगा। ये देखो भाई, इसको तो पहचानते होगे। और ये देखो, हाँ गांव का देसी जुगाड़, इस पर चलता भी है, गन्ने का भी काम कर लेते हैं। अभी चलो कहीं फुहार ना आ जाए भाई, तब भी GoPro वापस डालना पड़ जाएगा। वैसे मौसम बहुत तगड़े वाला हो गया है, मज़ा आ रहा है मौसम पे। तो सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमको डर है खो न जाए कहीं। मछली खाद वगैरह शायद इसमें डाल के लेके जा रहे हैं, यहाँ मछली पालन के लिए खोद रखे हैं ये। अभी ये धान की बिजाई चल रही है, उधर देखो आगे वो लगा भी रहे हैं। जुलाई आ गई है तो भाई अभी धान की रोपाई स्टार्ट हो ही गई है एक तरीके से, बारिश के टाइम पे ही करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं देना होता रहता। फिर लास्ट टाइम तो भाई बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी तो बहुतों के फसलें ख़राब हो गई थी। बिट्ठा लो भिंडी लो ऐसे लो वैसे लो, शहर में शायद ऐसे हाँ कभी कभी सुनते हैं, मगर मोस्ट पॉपुलरली मार्केट में ही जाके ले आते हैं। ये देखो गाँव की वजह से, हाँ गाँव की वजह से देखी भाई, यहाँ पानी पीने के लिए भैंसों के लिए, बाकी तो नहा के आएंगे तो तालाब में नहा के आएंगे। आपको रास्ते में अगर आते हुए दिखेगा, अभी तो अगर मेन हाईवे पे चढ़ जा रहे हैं हम, अगर वहाँ तो नहीं मिलेगा। मैं ना गांव में से आएंगे तो आपको तालाब ही दिखाऊंगा जहां भैंसों के लिए प्रबंध किए होते हैं हर गांव के अंदर। ये देखो भाई, ये बुरी हालत रहती है यहां। देखो कौन देख रहा है इनको सड़क के ऊपर, और ये वाली जो बनी है ना गाड़ियों की, जो जय कर रखी है ना जामन के भाई, 100 रुपये किलो बहुत है यार। ये देखो ये अम्मा का जामुन भी आ गई है, मगर गांव में लेने का मन नहीं करता, क्योंकि गांव में जाएं तो वैसे ही मिल जाती है, काहे को पैसे लगाने भाई। खेतों में जाके किसी भी जामुन पे तोड़ के खाओ, उसके लिए 100 रुपये देने भी मेरे को अच्छे नहीं लगते।
गांव वालों के तो यही मजे हैं। और शहर में एक चीज़ देखी है, मैं ज़्यादा बड़ी सिटी की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी रोहतक की बात कर रहा हूँ यार। उधर सेक्टर में लगे हुए होते हैं जामुन के पेड़, गिर रही हैं जामुन, मगर उनको तोड़ के खाते नहीं। गांव वालों को देखो भाई, जामुन के टहनिया तक तोड़ देते हैं। वैसे तोड़नी नहीं चाहिए इतनी जल्द वैसे करके। बच्चे यार, गांव की जो बच्चों की लाइफ है ना, चलो वो तो जीनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ। शहर में तो यार टेक्नोलॉजी में ज़्यादा घुस गए हैं और बाहर निकलना नहीं है। जैसे मैं दिल्ली जॉब करता था तो भाई इतना इरीटेट हो गया था क्योंकि पीस शांति कहीं मिल ही नहीं रही थी, तो करे तो क्या ही करें। रिटर्न आया हूँ, अब ब्लॉग स्टार्ट किया कि भाई घूमना है, क्योंकि नहीं जॉब से सेटिस्फेक्शन मेरे को मिल नहीं रहा है। घूमेंगे, ट्रैवल करेंगे, अच्छा लगेगा और दुनिया भी देखेंगे। एक लाइफ मिली है यार, आधी लाइफ तो निकल गई कर्जे वर्जे निकालने में, घर वालों को देने में, ये चीज़ जोड़ो वो चीज़ जोड़ो। आगे की लाइफ ऐसी स्पॉइल नहीं करना चाहता मैं, अपनी 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 थिंकिंग है, कोई इसको क्या कह रहे क्या नहीं। बाकी मैं चाहता हूँ घूम के लाइफ को स्पेंड करूँ अपनी। काफ़ी मेहनत कर ली, काफ़ी काम कर लिया, स्ट्रगल कर लिया भाई, दिहाड़ी भी की है, मजदूरी भी की है, हर काम करके देख लिया। आईटी जॉब में कर रहा हूँ, अभी तो आईटी ही मैं काम कर रहा हूँ, मगर मैं सोच रहा हूँ प्रोफेशनल इसी को बनाऊँगा भाई। मैं थोड़ा सपोर्ट दिखाओ तो जल्दी मैं देखो आपको लंबे लंबे टूर करके दिखाता हूँ। तो अभी आ गए हैं रोहतक में जीना भाई पास पे, तो अभी जुल्फिकार के पास कॉल कर लेता हूँ और पूछता हूँ वो कहाँ है अपनी टमटम के साथ में, तो उसके साथ पास जाते हैं। अरे वाह, ये लो भाई, अब रोहतक के नज़ारे दिखा दे रहा हूँ। आज पहला व्लॉग है रोहतक के अंदर। लास्ट टाइम आया था बरसात के चक्कर में, गोप्रो उठा के नहीं ले पाया मैं, और मोबाइल से शूट करने का मन ही नहीं रहा, जस्ट बिकॉज क्वालिटी इशू और स्टेबलाइजेशन इशू। भाई मेरे मोबाइल में है Y73 है मेरे पास मोबाइल, मगर उसका स्टेबलाइजर इतना काम नहीं कर रहा। गोप्रो मैंने स्टेबलाइजर और क्वालिटी के लिए ही लिया है, बड़ा तो नहीं लिया भाई, बजट के चक्कर में गोप्रो 9 ही लिया है। मगर देख रहा हूँ मैं गोप्रो 7 से भी बंदे शूट कर रहे हैं, तो क्वालिटी बहुत अच्छी है। कुछ ही चीज़ें रहती हैं जो लेटेस्ट में आती रहती हैं, अभी अपडेट हो रही हैं। तो देखो आपका सपोर्ट रहा तो बड़ी चीज़ें भी लेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली जो बाहर का शूट होगा वो सिनेमाटोग्राफी के तरीके से ही चलाएंगे, और उसके लिए कैमरा लूँगा भाई। सपोर्ट मिले बस आपका। तो जीन बाईपास से अभी हम नए बस स्टैंड की तरफ चल रहे हैं, और रास्ते में आएगा सुप्रा चौक। तो पिछली बार की बात बता रहा था भाई, यहाँ जब आया ना इतनी बारिश हो रखी थी, पहली बारिश में रोहतक पूरा भर गया था, और दिल्ली में भी वैसे ही हाल थे। पहली बारिश में ना सब जगह ना बिल्कुल पानी अटक सा जाता है, फिर धीरे धीरे साफ होता, पता नहीं क्या दिक्कत है। और क्या ही करें भाई, बारिश में हो जाता है, और आजकल तो ज़्यादा ही बारिश हो रही है। और कुछ साल से तो मैं देख रहा हूँ, 5-7 साल से लगा लो कि बारिश है ना, कभी गेहूं के कटाई के टाइम नहीं मैंने बारिश देखी थी, मगर 5-7 साल से गेहूं के कटाई होने के बाद बारिश हो रही है। धो के गेहूं खाने पड़ रहे हैं भाई, ऐसा हाल कर देते हैं प्रभु। तो कोई नहीं, लाइफ जीनी है, जहाँ इससे बुरे हाल है वहाँ भी इंसान जी रहे हैं, हमें भी जीना ही है। मगर लाइफ को किस रास्ते पे ले जाना है वो आपके ऊपर है, ठीक है? तो चलते हैं। अभी आगे स्प्लैश वाटर पार्क है, जो पुराना है इससे भी अच्छा बन गया है। ये दिख रहा है जो स्टैचू, ये स्प्लैश का है, ये देखो वाटर पार्क का एंट्री गेट मैंने दिखा दिया है। तो किसी को आना है तो ये, और एक सिटी से बाहर निकल के वो काफ़ी अच्छा है, उसका मेरे पास वीडियो पड़ा है, मगर उसमें ट्यूनिंग लगी हुई है,
तो एक और अगर आपको चाहिए उसका वो इसके साथ में और GoPro के साथ में, तो मेरे को बताओ, उसका भी शूट करते हैं। मगर उसके लिए वाटरप्रूफ केस लेके आना पड़ेगा, तभी कर पाएंगे भाई। और वो तो लेके आना ही पड़ेगा क्योंकि मौसम आ गया है उसका रेनिंग का, तो वो तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। अब की बार सैलरी आएगी तो पहले वो तो लेके आना ही पड़ेगा। तो ये पावर हाउस आ गया है रोहतक में, और आगे आएगा सुप्रा चौक। भाई ध्यान से चलाओ, ध्यान से ब्रेकर पे यार वाइट पट्टी लगा दिया करो, बहुत एक्सीडेंट इसी के चक्कर में हो जाते हैं। रिक्वेस्ट है, जो भी लगा रहा है तो कुछ ज़्यादा लगा दिया करो, क्या जा रहा है भाई। खुद को एक छोटी सी चोट लगती है उसमें भी दिक्कतें होती हैं, आपको पता ही है यार। क्या बोरो नहीं है, आपकी सेफ्टी के लिए समझ के लगा दो। ये भाई स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो क्या यार, कब जैसे आएंगे टाइम स्कॉर्पियो पे घूमेंगे यार। स्कॉर्पियो नहीं, वैसे वैसे घूमना मेरा बहुत अच्छा है, किसी चीज पे ज़्यादा वो नहीं है मेरा। अभी तो ये है कि घूमो देखो दुनिया, वैसे ही लाइफ निकल गई। तो लाइफ का किसी भरोसा तो है ही नहीं भाई, अनप्रडिक्टेबल होती है लाइफ भी, क्या पता कब हो जाए। अच्छी अच्छी हेल्दी लाइफ वाले बंदे चले जाते हैं, और आजकल तो भाई जिम वाले बंदे कोलैप्स कर जा रहे हैं, उनका पता ही नहीं है। सुप्रा चौक है, सुप्रा चौक से अभी निकले ही हैं हम, तो यहाँ आया था भाई, भरा पड़ा था यहाँ, पूरा पानी भरा हुआ था, आगे तक भरा हुआ था। तो बस सामने दिख रही होगी, वहाँ तक पानी भरा हुआ था, बाइक भी बंद हो गई थी। तो वो पानी लगने से होती है, वो मैं दिखाऊंगा बाइक में आपको किसी और व्लॉग में, कि वो अगर किसी की पानी में बंद हो जाए तो कहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। उसको अगर कवर कर लोगे तो भाई आपकी पुरानी हो नई हो जल्दी से बंद नहीं पड़ेगी। मोस्ट प्रॉपरली ये प्रॉब्लम आती है पुरानी बाइक के अंदर, जैसे हमारी धन्नो है, ठीक है। गड्ढे वाली गड़मण छोरी भादरगढ़ का बम, बिजली सी टूट पड़ी मारे गए हम, बिजली सी टूट पड़ी मारे गए हम। ले भाई किसी खड़ी है टमटम आगे, नून खड़ी थी करा। या खड़ी चालू, ये देखो यार रॉन्ग साइड भी घुसा लेते, इसको देखो महाराज को क्या यार। ये टम 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 टम, कितनी टम टम हो रखी है, क्या ही करे भाई। ये देखो पहले कभी भूंड बोलते थे इसको, अभी ऑटो बोलते हैं।
जय भोले बाबा की जय। भाई भगा लो भगा लो भगा लो, बहुत स्पेस था। तो अभी न्यू बस स्टैंड पे ही जा रहे हैं। ये देखो ऑटो कैसे कैसे यार जुगाड़ कर लेते हैं इंसान, मजाक बना रखा यार हर चीज का। हरियाणा वालों को तो कुछ चाहिए चीज है, बस उसमें जुगाड़ अपने आप ढूंढ लेते हैं। इंडिया क्या, हरियाणा क्या भाई, इंडिया में ही जुगाड़ू इंसान बहुत हैं, बहुत भाई बहुत दबा के जुगाड़ू भरे पड़े हैं इंडिया के अंदर, तभी इंडिया चल रहा है। थोड़ा एजुकेशन पे और जोर लग जाए ना तो इंडिया जैसा कोई कंट्री नहीं मिलेगा भाई, मेरे को तो यही है। थोड़ा देखो बुरा मानने वाली बात नहीं है, मगर जो कॉलेज में सीखते हैं वो आगे कहाँ काम आता है, जॉब में कितना काम आता है आपको भी पता है। जॉब में प्रैक्टिकल अगर सीख रहे हो ना, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आता है भाई। इसलिए हमारे तरफ ये एक है, पढ़े लिखे से ज़्यादा निकला हुआ ज़्यादा इफेक्टिव पर्सन होता है, यही बोलते हैं। ये आ गया हमारा बस स्टैंड और गेट नंबर 1 है ये, और गेट नंबर 2 के पास खड़े हैं हमारे जुल्फिकार। कहाँ है भाई टमटम, जुल्फिकार की टमटम कहाँ है? हाँ भाई जुल्फिकार की टमटम, हाँ। जाके चार्ज तो कर लूंगा ना, क्या दिक्कत है। चाली पे चला चला, हरकत ना करें ये। लगा दे कहाँ लगाएगा भाई ये। अच्छा यहाँ लगा रहे, देख लो भाई आज जुल्फिकार की टमटम भी। बैठ जा, ये लो भाई। अरे यार क्या हो रहा है, ताऊ घुसा दे बस मेरे अंदर, तुम कितना साइड में मार रहा है कट। हाय रमी, गोप्रो अंदर रखना पड़ जाएगा भाई। तो मौसम मस्त हो रखा है, अरे मजा आ रहा तभी तो लेके निकला भाई, नहीं तो काम था मेरे पास भी। वाट लगा रखी है ऑफिस वालों ने, काम दे काम दे काम दे, इतना काम दे दिया पूछो मत भाई। यहीं से भला हो जाए तो साला घूमने का ही करेंगे। और एक जुल्फिकार ने और मैंने यार ये सोच रखा है कि पूरे 6 महीने के लिए ना विदाउट मनी ट्रेवल का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे बाहर। तो भाई जल्दी से इन जितना भी टाइम है उसमें सपोर्ट दिखाओ, अगर वो देखना है ना वो सीरीज़ सिनेमाटोग्राफी के साथ में आपको दिखाएंगे, ठीक है। मतलब व्लॉग को जितना अच्छा बना सकता हूँ ना उतना अच्छा बनाऊँगा। मेरी लाइनिंग ग्राफिक है, वीडियो एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग अभी ज़्यादा कर रहा हूँ, पहले तो इतनी नहीं कर रहा था। आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ भाई, टेंशन इतनी हो रही है कि क्या क्या ही करूँ। तो आप भी थोड़ा सपोर्ट करो, कमेंट में बताओ मेरे को कि क्या क्या उसमें ठीक करना है। तो ये कौन सी गाड़ी आ गई भाई, ईवो ईवो ईवी, ये तो कोई ब्रांडिंग कर रखी है भाई, ईवीडो। अरे ये स्टिकर लगा रखा है ईवीडो एक्सप्रेसिंग। ये भाई यहाँ पीजी आ गए हैं,
स्टेडियम के पास में है ये जगह, और पीजी वगैरह आ गए हैं। पीजी ये देखो, एक लव बर्ड भी दिख गए हमको। ये देखो हाथ दिख रहा है, ड्राइवर है। अरे पहलवान बहुत हैं इधर भाई, खेलने के लिए मोस्ट पॉपुलरली पीजी आ रहे हैं पढ़ने के लिए। मोस्ट ज़्यादातर तो यहाँ खेलने वाले बंदे ही पीजी ले रहे हैं, ठीक है। तो भाई ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है और हम जुल्फिकार के रूम तक पहुंच ही गए हैं बस। अरे वाह, टन न यहाँ से करूँ क्या प्यार शुरू। भाई चेंज हो गया क्या? भाई अभी आ गए हैं जुल्फिकार के घर पे। तो अभी रिटर्न चल दिए हैं हम लेके अपना माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का भी आपको रिव्यू करवाएंगे। सबसे पहले वही माइक्रोफोन मैंने लिया था जिससे वॉइस की क्वालिटी ठीक हो गई थी। हाँ ज़्यादा तो नहीं कह सकते क्योंकि ज़्यादा महंगे वाला था नहीं, वो मतलब है नहीं। स्टार्टिंग में लिया था जब मोटो व्लॉगिंग बिल्कुल स्टार्ट किया था मोबाइल से, तो मोबाइल में इनपुट होता है, मगर उसके साथ अटैचमेंट आई थी कि आप लैपटॉप में भी लगा सकते हो, एप्पल में भी लगा सकते हो, और जस्ट उसमें प्ले नहीं करना है और यूज़ करना है। तो मेरे को ज़रूरत रह रही थी कि लैपटॉप में वॉइस ओवर नहीं कर पा रहा था, कहीं कहीं ज़रूरत रहती है वॉइस ओवर करने की, तो वो नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए मैं लेने आ गया। तो ये देखो बारिश का, पिछली बारिश का हाल, पानी अभी भी खड़ा ही है। सीवर वगैरह में काम स्टार्ट कर ही दिया होगा सबने। ये सुखपुरा चौक है और अभी शायद थोड़ी आंधी वगैरह चलने का टाइम आ गया है, तो मैंने कर लिया क्लोज़, जो शीशा है उसको क्लोज़ कर दिया है। तो अभी दूसरे रास्ते पे दिखाएंगे। यो है एकला, ठीक है।
आजा कुत्ती, आगे आके खड़ा तू भी। भाई आ रहे यार थारो तक, की ड्यूटी ला दी, बाकी तो ड्यूटी ला दी।